हेलो गाइस, माय नेम इज अमित सैनी एंड आई वेलकम यू टू StudyIQ डेली PIB एनालिसिस में आपका स्वागत है। और हिंदी और इंग्लिश में दोनों ही ये वीडियोस शाम को आते हैं, सुबह हिंदू पेपर के एनालिसिस के वीडियोस आते हैं। ओके, सो दीज कंपाइलेशंस आर गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रूशियल। अभी आपको इनकी इंपॉर्टेंस पता नहीं लगेगी, थोड़े दिन बाद जब एग्जाम पास में आएगा तब आपको इनकी इंपॉर्टेंस पता लगेगी। जो डेटा इसमें अपीयर हो रहे हैं डेली वो आपसे डायरेक्टली पूछे जाएंगे प्रीलिम्स में। सो दैट्स अ थिंग। और ये कोट हमेशा याद रखना, कीप राइटिंग योर स्टोरी। हर दिन आपका जो है वो एक स्टोरी का पार्ट बन रहा है और वो आपको लगातार इम्पोर्टेंट बनाना है, कंसिस्टेंट उस पर एफर्ट करना है। तो हर दिन आप इसको इम्पोर्टेंट बनाने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट है पेनड्राइव कोर्सेज जो StudyIQ के हैं, आप इन नंबर्स पे कॉल करके इनको मंगवा सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाए गए हैं और स्टैटिक पोर्शन के जितने भी क्रूशियल इश्यूज हैं सब के सब ओवरऑल सिलेबस इसमें कवर्ड है। और घर बैठिए आराम से पढ़ाई कीजिए और कहीं आपका टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। और बाकी गाइडेंस के लिए वी आर अवेलेबल ऑल द टाइम। MCQs जो मैंने आपको कल दिए थे, महानदी की ट्रिब्यूटरीज हैं, ये सारे ही ट्रिब्यूटरीज महानदी की हैं और इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डी ऑल इसका आंसर होगा, बिकॉज तेल मैंने आपको कल ही बताया था, जो झरसुगुड़ा जहां पर कुछ डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट किए थे मोदी जी ने, और उसके जस्ट नीचे जो एक रेलवे लाइन जो स्टार्ट की थी, तो वहाँ उसके पास तेल रिवर थी। और ईबमान हसदेव ये सारी हैं। धमतारी छत्तीसगढ़ में स्टार्ट होती है, महानदी सबसे बड़ी रिवर है उड़ीसा की, याद रखना। और हीराकुट बांध सबसे बड़ा अर्दन डैम है इसके ऊपर एशिया का। नेक्स्ट है वेबकोस लिमिटेड। मैंने आपको बताया था वेबकोस लिमिटेड सेंट्रल PSU है, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज और गंगा वाला जो है उसकी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज के अंदर नहीं आता है। मिनी रत्ना कंपनी बिल्कुल सही है, तो ओनली टू इसका करेक्ट आंसर होगा, वेबकोस लिमिटेड, याद रखना। नेक्स्ट है नेशनल हाईवे 66। मैंने कल ही आपको बताया था कोल्लम के पास में अस्सामुद्दी लेक के ऊपर ब्रिज बनाया गया है और वो नेशनल हाईवे 66 का पार्ट होगा। और ये इंडिया का जो पूरा वेस्टर्न कोस्ट है, मैंने आपको मैप भी दिखाया था, उसमें पूरा उसके थ्रू ये रन कर रहा है उसके पास पास में और कन्याकुमारी तक जाता है, मुंबई से स्टार्ट ये होता है। सो इसका आंसर 2, 3, 4 होगा, आंध्र प्रदेश नहीं, क्योंकि आंध्र प्रदेश ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर है। आपको याद होना चाहिए वेस्टर्न कोस्ट को कोंकण और मालाबार कोस्ट कहते हैं और ईस्टर्न कोस्ट को कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं, इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट का है, तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का डेटा है। संगीत नाटक एकेडमी जो कि एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की ही, उसने लॉन्च किया है संजी मुझ में कलाकार। अब ये इंपॉर्टेंट एक इवेंट है, एक वेब कैंपेन है, ये आप याद रखना। वेब कैंपेन ये स्टार्ट किया है, सेकेंड फेज इसका, पहला फेज नवंबर में था, सेकेंड फेज अभी स्टार्ट हुआ है। और ये म्यूजिक डांस ड्रामा जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आर्ट्स से रिलेटेड वो सारी इसमें होती हैं, ये उसके लिए कैंपेन है। और इंपॉर्टेंट ये है कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो कि जैसे डांस फॉर्म है, कोई पर्टिकुलर आर्ट है, स्टेज की परफॉर्मेंस है, जिसमें कोई पर्टिकुलर फिजिकल वो चीज़ नहीं होती है, कोई पोजेशन वगैरह नहीं होता है, ये एक आर्ट फॉर्म की तरह है। तो ये कोई आपकी क्वालिटी हो सकती है, कोई पर्टिकुलर आपका फोर्टे हो सकता है, ये इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में आते हैं, कोई डांस फॉर्म है, सिंगिंग का है, ये सब। तो इसको प्रमोट करने के लिए ये इंपॉर्टेंटली इसमें लिया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिक टैलेंट सर्च, इसका एक मेन एम है। इंडिया के अंदर बहुत सारा टैलेंट है और रीजनल एरियाज में फोक म्यूजिक के अंदर इन सब में बहुत मिलता है टैलेंट, तो उसको वेब के प्लेटफॉर्म के ऊपर सबको सामने लाया जाए, जो जो है उनको ढूंढ के बाहर निकाला जाए, ये इसका एम है। और संजी का मतलब होता है शेयर एंड टू पार्टनर, संजी, तो ये वर्ड है, काफ़ी फेमस वर्ड है इंडिया के अंदर। ये सेकेंड फेज जो है वो जिसमें सांझी मुझमें कलाकार, ये इसका सेकेंड फेज का नाम ये है एक्चुअली। और इसका मेन फोकस एरिया है फोक ट्रेडिशन, कस्टमरी सोशली इवेंट्स और आर्ट फॉर्म्स हैं, कल्चरल फैब्रिक है, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हैं जो इतने इंडिया के अंदर, इन सब के रिगार्डिंग UPSC में क्वेश्चंस आते हैं, तो ये इसके रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक इवेंट होगा। और अभी जो है पूरी कंट्री के अंदर जो चल रहा है सेलिब्रेट, इसमें किया जा रहा है कि जो 14 जनवरी के आसपास, 14 या 15 को मतलब होता है, मकर संक्रांति बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में, पोंगल सुनाई था हमने साउथ इंडिया में होता है, और लोहड़ी पंजाब में बनाया जाता है उसके एक दिन पहले पिछली रात को, और भोगली बिहू ये असम के अंदर होता है, टोरगिया तवांग जो तवांग टोरगिया एक इम्पॉर्टेंट एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो कि बुद्धिस्ट के जो कल्चर के अंदर ही माना जाता है, और ये भी इसी टाइम पे ही होता है, ठीक है। उत्तरायण जो उत्तरायण दक्षिणायन, ये सूरज की स्थिति जब चेंज होती है राशि के अकॉर्डिंग, ये उसको बोला जाता है। और अक्कूतल पोंगल, ये सारे साउथ इंडिया के नाम है। तो ये अलग अलग एक ही टाइम पर होने वाले अलग अलग पार्ट्स में इवेंट होते हैं पूरे इंडिया के अंदर, जो फेस्टिवल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं। नेक्स्ट है ICH जो है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, इसके लिए यूनेस्को एक लिस्ट बनाता है, उस लिस्ट के अंदर एडिशंस होते रहते हैं। अभी रिसेंटली हुए थे हमारे रामलीला वगैरह को लिया गया था, संकीर्तन मणिपुर का था उसको लिया गया था, कुडियत्तम जो एक केरला का इंपॉर्टेंट सांस्कृतिक थिएटर है उसको लिया गया था। तो ये सारे लिस्ट है और ये इसमें प्रमोट होते हैं, तो ये आपको याद रखना, इसलिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
संगीत नाटक अकेडमी मैंने बोला, ये नोडल एजेंसी भी है और ये ऑटोनोमस एक इंस्टीट्यूशन भी है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का एक न्यूज है कि झारखंड के अंदर, झारखंड सुन के थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा क्योंकि झारखंड के अंदर इस तरह से फिल्म फेस्टिवल वगैरह का आप नाम नहीं सुनते हैं, ठीक है, तो यहां पर हो रहा है, इसलिए आप कभी ऑप्शन में कंफ्यूज मत हो जाना। काफी एडवांसमेंट हो रहा है झारखंड में, काफी ज्यादा प्रोग्रेस अच्छी हो रही है। रांची बहुत इंपॉर्टेंट एक शहर है, एम्स भी अभी यहां पर पास किया गया, आपको याद रहना चाहिए। नव भारत निर्माण संघ नाम के एनजीओ ने ये करा रहे हैं और ये जीफा है, मतलब झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, और इसमें अवार्ड भी है। और मेन इसका एम है कि रीजनल जो एरियाज हैं झारखंड के और वहाँ के जो फोक जो म्यूजिक है, कोई आर्ट है, और जो वहाँ पर जो लैंग्वेजेस हैं जैसे नापुरी, संथाली, कोरथा, कुमाली, इन लैंग्वेज के अंदर जो मूवीज बनती हैं उनको वर्ल्ड स्टेज पर लाया जाए और इनको भी एक्सपोजर मिले वर्ल्ड लेवल के फिल्म मेकिंग का, तो ये इसके लिए हो रहा है, तो काफी इंपॉर्टेंट ये है। और ये आपसे पूछ सकते हैं लैंग्वेजेस कहाँ बोली जाती हैं और किस तरह से ये है, तो ये फिल्म फेस्टिवल है, जैसे गोवा में हम सुनते हैं इंटरनेशनल, वैसे ही झारखंड में हो रहा है। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का एक डेटा है कि इन्होंने जो नेशनल हाईवे 66 अभी हमने डिस्कस किया था वो दिया था नेशन को, वहीं पर एक और बात भी की थी कि इंडिया ने एक तो टूरिज्म के अंदर 14% ग्रोथ की है, ठीक है, एवरेज वर्ल्ड की 7% से ग्रो होती है, हो रही है मतलब इस टाइम पर, लेकिन इंडिया की डबल रेट से 14% से हो रही है। और जो एक वर्ल्ड ट्रैवल और टूरिज्म काउंसिल की पावर रैंकिंग होती है उसमें 3rd place पे इंडिया, ये आपको याद रखना है। टूरिस्ट अराइवल्स काफी बढ़ गया है, 42% तक बढ़ गया है इंडिया में अगर पिछले 5 साल की बात की जाए तो। नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज, उसके थ्रू जो अर्न होता है हमारा वो $18 बिलियन से $27 बिलियन पहुंच गया है, काफी इंपॉर्टेंट इसमें एडिशन हुआ है, ठीक है। तो और ई वीजा जो का जो प्रोग्राम है, इसके अंदर वीजा ऑन अराइवल भी होता है और जो इलेक्ट्रॉनिक वीजा जो ऑनलाइन दिया जाता है वो सबसे बड़ा गेम चेंजर इसमें साबित हुआ है, जो 166 कंट्रीज को अभी दिया जा रहा है ई वीजा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इनिशिएटिव है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके अंदर इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है उसका डेटा निकाला गया है, दिसंबर का जो डेटा है, ओवरऑल एक्सपोर्ट जो है हमारे वो भी ग्रो कर रहे हैं, ओवरऑल इम्पोर्ट्स भी ग्रो कर रहे हैं। एक्सपोर्ट 13.79% की रेट से ग्रो किया है, इम्पोर्ट 14.63% की रेट से ग्रो किया है। इम्पोर्ट हम ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट हम कम करते हैं, ये इशू है, क्योंकि सबसे बड़ा कंपोनेंट इम्पोर्ट में क्रूड ऑयल वगैरह का हमारा होता है जो हमारी नीड है। अब मर्चेंडाइज के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा हो रहा है, इम्पोर्ट हम ज़्यादा कर रहे हैं, और सर्विसेज के अंदर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, ओवरऑल हमारा डेफिसिट ही है, ओवरऑल हम इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि डेफिसिट है यहाँ पर ओवरऑल देखो, ठीक है, यहाँ पर नेट ऑफ सर्विस में पॉजिटिव है और ये फिर से डेफिसिट है, तो सर्विसेज के अंदर हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और कमाते ज़्यादा हैं। नेक्स्ट है दिसंबर 18 के अंदर एक चीज़ जो रिपोर्ट आई थी उसके अंदर ये सारे हाइलाइटेड हैं जिनमें एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ है, ये हाइलाइटेड है जिसमें इम्पोर्ट ज़्यादा हुआ है। तो आप देखिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं क्योंकि हमारी रिफाइनरी वगैरह की जो इंडस्ट्रीज हैं वो काफ़ी प्रोग्रेसिव हैं, रोबस्ट हैं, तो वहाँ से पेट्रोलियम जो हम इम्पोर्ट करते हैं उसका भी प्रोडक्ट्स बना बना के काफ़ी ज़्यादा हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो ये शानदार चीज़ है और इसमें आप इसको याद रखना है, स्पेसिफिक यूनिक चीज़ है इंडिया के लिए, और ये इम्पोर्ट भी ज़्यादा होते हैं, देखिए ये सारे के सारे हैं, ठीक है, टेक्सटाइल वगैरह हैं और ये प्लास्टिक, लिनोलियम, ये सब हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो इसमें पॉजिटिव ग्रोथ है, इम्पोर्ट में भी पॉजिटिव ग्रोथ ही है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का डेटा है, 71st आर्मी डे बनाया गया है, आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है, आप याद रखना। और जो के एम करियप्पा जो सबसे पहले इंडिया के कमांडर इन चीफ बने थे, जो बाद में फील्ड मार्शल भी बने थे पहले, तो वो जब उन्होंने टेक ओवर किया था ब्रिटिश जो आर आर बूचर थे पहले, मतलब आज़ादी से जस्ट पहले वाले टाइम पे ये थे बूचर, इन्होंने इनसे 1949 के अंदर कमांडर इन चीफ का चार्ज लिया था के एम करियप्पा ने 15 जनवरी को, इसलिए इसको आर्मी डे मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। दोबारा मैं आपको बता दूं, कंफ्यूज ना हो जाओ, आर आर बूचर थे 49 तक, ठीक है, आज़ादी के बाद भी कुछ टाइम तक यही थे, और उसके बाद 49 में इनसे चार्ज लिया था के एम करियप्पा ने, तो ये पहले कमांडर इन चीफ थे इंडियन आर्मी के आफ्टर इंडिपेंडेंस, 49 में बने थे, याद रखना। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का डेटा है कि ईडब्ल्यूएस कोटा के अंदर जो 10% दिया गया है रिजर्वेशन, वो अभी कॉलेजेस में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में भी लागू होगा, ये कल रात ही डेटा आया है। और जो इसके अलावा टीचर्स वगैरह को यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर जो 7th pay commission अभी तक एक्सटेंड नहीं किया गया था, उनका बेनिफिट भी उनको दिया जाएगा, ये भी अनाउंस हो गया है। नेक्स्ट है ये जो कोटा है 10%, इसके अंदर 40,000 तो कॉलेज आएंगे इंडिया के अंदर और 900 यूनिवर्सिटीज आएंगी, इतने बड़े लेवल के ऊपर नंबर है इनका सबका, ठीक है, तो ये सब इससे बेनिफिट होंगे और इन सब के अंदर कोटा डिसाइड होगा। अब ऑब्वियसली बात है कि देयर वुड बी एडिशन ऑफ द सीट्स, तो सीट्स का एडिशन भी होगा क्योंकि जब ये कोटा अलग से दिया जाएगा तो सीट्स की दिक्कत आने वाली है, तो ये भी बढ़ाया जाएगा और उसके लिए मैंडेट भी एक वीक के अंदर अंदर इनको पहुंच जाएगा। नेक्स्ट है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का डेटा है
कि नरेगा का हाईएस्ट एवर एलोकेशन हुआ है। हमने पिछले दिनों ही दो दिन पहले ही न्यूज देखी थी जब इसका यह था कि इसके अधिकतर फंड खत्म हो चुके हैं इस साल के, और आगे आने वाला सीजन आने वाला जब ज्यादा जरूरत पड़ेगी एम्प्लॉयमेंट देने की नरेगा के अंदर, ठीक है। तो लीन सीजन आने वाला है, खेती वगैरह कम होगी, तो अभी से इसका फंड खत्म हो गया और अभी 3-4 महीने बचे हुए हैं। तो अभी इसमें फिर से एलोकेशन किया गया 6,084 करोड़ रुपीज का, और इसका टोटल मिला के अभी हाईएस्ट एवर हो गया है। स्टेट्स का मिला लिया जाए तो 61,000 करोड़ रुपीज का हाईएस्ट अभी तक का, ये याद रखना। और इसके अंदर 60% जो रिसोर्सेज हैं वो नेशनल रिसोर्स मैनेजमेंट के एक्टिविटी में काम आते हैं। रिसोर्स मैनेजमेंट जहां पर एसेट क्रिएट किए जाए, जो काम आए, ठीक है। पहले इसमें दिक्कत क्या थी कि अनवांटेड जो कुछ एसेट्स होते वो क्रिएट हो जाते थे, कर देते थे, क्योंकि इसमें मजबूरी होती थी कि जो अनस्किल्ड जो लेबर है उसको एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, वो स्किल्ड होना जरूरी नहीं था, तो उससे बहुत सारे ऐसे क्रिएट हो जाते थे जिनका कुछ ज्यादा यूज नहीं होता था। लेकिन अभी काफी इंपॉर्टेंट काम इसमें हो रहे हैं, जैसे कि डैम वगैरह क्रिएशन है, एम्बैंकमेंट का है, फील्ड और फील्ड बंड्स का है, और खेती के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, उन सब के अंदर काम लिया जा रहा है नरेगा के काम का। तो ये सब एनआरएम के अंदर आते हैं, तो 60% का अधिकतर जो शेयर है वो इसमें ही यूज हो रहा है। इसके अलावा जियो टैगिंग हो रही है सारे एसेट्स की, और जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड प्लानिंग हो रही है सारे वर्क्स की, मतलब कि पता लगाया जा रहा है कि नोटिफाई किया जा रहा है कि कहां कहां पर कौन सा काम हो रहा है, ये मैप बेस्ड हो रहा है और सैटेलाइट से हम उसको पता लगा सकते हैं। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस बेस्ड ये होता है, ठीक है। और दूसरा, ट्रांसपेरेंसी लाई गई है वेज पेमेंट्स के अंदर, जिसमें सबसे बड़ा इशू था 15 दिन के अंदर का जो एक एम है वो अधिकतर में पूरा करने की कोशिश की जा रही है कि 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट हो जाए, तो पेमेंट का जो इशू है 15 दिन का इसके अंदर है, याद रखना। अगला मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेटा है, एमओयू साइन किया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, और एक आईसीएआर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है, ठीक है, आईसीएआर जिसमें एग्रीकल्चर रिसर्च का ये काउंसिल होता है। तो इन दोनों ने एमओयू साइन किया है ताकि एग्रीकल्चर के फील्ड के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का यूज हो सके, जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स वगैरह का नाम आपने सुना होगा, वहां पर बायोटेक्नोलॉजी ही यूज होती है सारी, उसका बेसिस वही है। तो आरएनडी एक्टिविटीज, मल्टीडिसिप्लिनरी एक्टिविटीज और मिनिस्ट्रीज का आपस में कोऑपरेशन बढ़े इन फील्ड के अंदर, इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑपरेशन के लिए, क्योंकि दो अलग अलग मिनिस्ट्री है, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस है और ये वाली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, इसलिए इन दोनों का एमओयू साइन हुआ है, तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही डेटा है कि एक दो नेशनल लेवल के इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए हैं, वो किसके लिए हैं? एक तो प्रसार भारती जो कि इसी आईटी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, जिसका दूरदर्शन इसके अंडर आता है, डीडी वन जो नेशनल जो होता है, डीडी भारती वगैरह जो चैनल होते हैं, उसके अंदर 1 घंटे शाम को डीडी साइंस चलाया जाएगा डेली, और कोशिश ये है कि थोड़ा टाइम बाद ये फुल फ्लेज्ड एक चैनल बन जाए, लेकिन अभी ये 1 घंटे के लिए होगा, शाम को स्लॉट होगा इसका। और एक इंडिया साइंस के नाम से इंटरनेट बेस्ड चैनल होगा, इसके अंदर जो भी क्लिक करके मतलब कोई भी वीडियो देख सकते हैं साइंस बेस्ड जो इसके अंदर अवेलेबल होंगे। तो इंडिया साइंस और डीडी साइंस, ये दो चीजें, ये दो नेशनल इनिशिएटिव इसमें किए गए हैं, याद रखना, डीडी साइंस और इंडिया साइंस। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का डेटा है, इसके अंदर फर्स्ट नेशनल लेवल स्पोर्ट्स मीट हुई है, किसकी हुई है? स्पेसिफिकली ईएमआरएस एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स क्या है? 1978 के अंदर, इस साल के अंदर ये स्कीम स्टार्ट की गई थी, ये फ्लैगशिप इंटरवेंशन था मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का, किसके लिए था? कि ट्राइबल जो एरियाज हैं वहां पर एजुकेशन काफी अच्छे से दी जा सके, उनको एक्सेस हो सके, क्योंकि रिमोट एरियाज के अंदर स्कूल वगैरह की दिक्कत बहुत ज्यादा होती है, वहां टीचर्स वगैरह जाना नहीं चाहते, ये सब कुछ है। तो इन ट्राइबल एरियाज के अंदर ये क्लब स्कूल्स खोले गए थे, ठीक है। अब वहां पर उनका पहला स्पोर्ट्स मीट हुआ है हैदराबाद के अंदर, इस साल हुआ अभी, और वो इनॉग्रेट किया गया था। तो इसके अंदर कॉम्पोनेंट ये है कि ईएमआरएस जो है एवरी ब्लॉक के अंदर होंगे, और मोर देन जहां पर 50% से ज्यादा पॉपुलेशन ट्राइब्स की रहती है, या फिर 20,000 से ज्यादा पॉपुलेशन जहां पर है, तो वहां पर अभी तो 288 है स्कूल्स ये, और 462 और खोले जाएंगे एडिशनल, ठीक है। तो ये 2022 तक इनका एम है टोटल, मतलब ये 700 से ऊपर इनको लेके जाना है, 700-750 के ऊपर स्कूल्स होंगे, और ये जहां पर पॉपुलेशन 50% से ऊपर है या फिर 20,000 से ऊपर है ट्राइबल्स की, वहां पर हर ब्लॉक में ये स्कूल्स होंगे, रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, याद रखना, हॉस्टल्स वगैरह होते हैं इसमें। नेक्स्ट है क्लीन गंगा फंड के रिगार्डिंग, इस क्लीन गंगा फंड को 2016 में स्टार्ट किया गया था अक्टूबर के अंदर, और इसमें जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ वाटर के अंडर ही आता है, ये सारी जो गंगा को साफ करने की जो स्कीम है, ठीक है। पहले एक नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी होती थी पिछले सरकार के टाइम पे, जिसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी के अंदर, 2 बार क्वेश्चन पूछा गया था 14 और 15 में, और अभी इसको एक नया ऑर्डर आया था, रिवर गंगा अथॉरिटीज ऑर्डर 16 में, उसके बाद इसको तो डिसॉल्व कर दिया गया था, एनजीबीआर इसको बोलते थे, एनजीआरबीए, और इसकी जगह आया था नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ठीक है।
ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा क्या था, ये एक नेशनल गंगा काउंसिल बनाई गई थी। एक्चुअली जो ये NCERT जो था अथॉरिटी, इसको रिप्लेस तो किया था नेशनल गंगा काउंसिल ने, जो मेन काउंसिल बनाई गई थी, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंट बॉडी जो ज्यादा फेमस हुई वो ये थी, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ठीक है, और इस नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अंडर ये क्लीन गंगा फंड बनाया गया था। ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट डेटा। और ये जो फंड था ये ट्रस्ट के रूप में था, ए ट्रस्ट अंडर इंडियन ट्रस्ट्स एक्ट। ठीक है, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ट्रस्ट के अंदर, एक एक्ट के अंदर ट्रस्ट बनाया गया था। नेक्स्ट है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, इसके बोर्ड को हेड करेंगे फाइनेंस मिनिस्टर। और इसमें ये होता है कि कोई भी डोनर डोमेस्टिक अगर है, कोई भी, जैसे मैं हूं आप हो, तो 100% इनकम टैक्स इसमें रिबेट मिलती है सेक्शन 80 के अंडर। और दूसरा जो जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो एक्टिविटीज होती हैं, जो कंपनीज को करनी पड़ती है मैंडेटरीली कुछ परसेंटेज अपनी इनकम का, तो वो भी इसमें अलाउ होंगे, वो भी काउंट किया जाएगा। अगर वो इसमें पैसा डालते हैं तो उसका CSR में वो काउंट होगा। ठीक है, तो क्लीन गंगा फंड अभी लगभग 262 करोड़ के आसपास फंड इसमें इकट्ठा हुआ है, और नई दिल्ली के अंदर SBI की जो मेन ब्रांच है उसमें अकाउंट इसका है, तो वो अकाउंट भी इसमें दिया गया था, तो उसमें ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट है, क्लीन गंगा फंड याद रखना। और ये MCQs हैं जो आप ट्राई करना, अभी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इनसे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलेंगे कुछ ना कुछ इस बार, इस साल। ठीक है, सो थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, इट वॉज अमेजिंग।